तावदिदं कलेवरं हिनोम्यहं तावत् प्रतीक्षताम। ये कहने की हिम्मत ये तपस्या का बल नहीं हो सकता, ये भक्त का बल हो सकता है। गोपिकाएं तो क्या क्या कहती है, आगे भ्रमर गीत में देखेंगे और कई प्रसंगों में, तो भक्त तो भगवान के साथ लड़ाई भी करता है, झगड़ा भी करता है, खेलता भी है, रोता भी है, गिड़गिड़ाता भी है और गाली भी देता है, ताने भी मारता है। भगवान को सब प्यारा लगता है। और मैं ये निवेदन कर रहा हूं, ये छूट योगियों को नहीं है और ये छूट ज्ञानियों को भी नहीं है, ये छूट भक्तों को है। ज्ञानियों के अधीन हूं कहीं कहा, जोगियों के अधीन हूं कहीं कहा, अहम भक्तो पराधी। तो भीष्म बाहर से भले कर्मजोगी देखते हैं, जो उनका बाहर का फॉर्म है, बाहरी आवरण है, जो उनका वो कर्मजोगी का है, वो कर्मजोगी की तरह देखते हैं, लेकिन वे विशुद्ध भक्त हैं और प्रेमा भक्ति के, सीधा भक्ति के आचार्य हैं। ये उनकी स्तुति प्रमाणित करती है। इतिमति रूप कल्पिता वितेषा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि, इतिमति रूप कल्पिता वितेषा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि, इतिमति रूप कल्पिता वितेषा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि, सुखम सुगत क्वचित विहर प्रकृति मुपेयुषी अद्भव प्रवाह, इतिमति रूप कल्पिता वितेष्णा भगवती शाश्वत पुंग वे विभूमि। अपनी मति को बहुत मस्ती में, बहुत मिजाज से करने। जितने भक्तों ने श्रीमद् भागवत में भगवान की स्तुतियां की हैं, जितने भक्तों, और जब जब भगवान का जन्म होता है तो ब्रह्मा जी तो आई जाते हैं, लेकिन बाकी भक्तों ने, चाहे वो कुंती मैया का स्तुति हो, चाहे इंद्र जी की स्तुति हो, चाहे भीष्म जी की स्तुति हो, जितने भक्तों ने स्तुतियां की हैं, एक स्तुति में आप डूब गए तो ये साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ तो नहीं हो सकता। आनंद से करने का, आनंद से रस लेने का, उसमें डूबने का समय नहीं मिलता इस तरह के समय के में साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ। कितनी बड़ी बात है, मैंने कोई पाप नहीं किया और मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है, यही बात मैं कहता हूं। ये कितने आदमी की हिम्मत है, कितने साधक, कितने जोगी, कितने ज्ञानी, कितने भक्त भगवान के सामने खड़े होकर कह सकते हैं कि भगवान सुनो, और सुनना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा आपको, और तब तक खड़ा रहना पड़ेगा जब तक मैं इस शरीर का परित्याग ना कर दूं, और भगवान सुनो मैंने कोई पाप नहीं किया, और भगवान से भक्त कह रहा है कि मेरी बुद्धि में तो कोई तृष्णा ही नहीं है। सुत बीत लोक ऐसना तीनी के ही के मतीन किन न मलीनी, सुत बीत लोक ऐसना तीनी कंचन कामनी और यश।
शास्त्र की बात है, लेकिन आप विचार करिए, अपने अनुभव से आप कह सकते हैं कि कंचन का लोभ त्याग करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं, आप सैकड़ों लोगों को जानते हो। ये अपने बात, ये शास्त्र की बात, ये अपने अनुभव में उतरी हुई बात है। ये ग्रहण करने में कितनी सरलता से ग्रहण हो जाता है। आप सैकड़ों ऐसे लोगों को जानते होंगे, और मैं तो सामने बैठे हुए संत भगवान को, आचार्य श्री पराशर जी को ही जानता हूं। चाहते थे इनके पास अरबों होते, अरबों रुपए होते। अगर प्रपंच खड़ा करना होता तो देश में इनसे बड़ा कथावाचक कौन है, अरबों खरबों का। कम लोग छोड़ पाते हैं, कंचन का लोभ भी कम बड़ा लोग नहीं है। अरे कंचन का लोभ न रहे तो शोषण होगा, जुल्म होगा, अत्याचार होगा, अन्याय होगा, पापाचार होगा, भ्रष्टाचार होगा। इस कंचन के लोभ ने चेतना के स्तर में इतनी गिरावट ला दी है कि गली का झगड़ा, नली का झगड़ा, दो बित्ता, दो उंगुल जमीन के लिए भाई भाई का गला काटने को तैयार है। बहुत बड़ा आकर्षण है पैसे का। जो लखपति है करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, अरबपति खरबपति बनना पड़ता है चाहता है, किसी को संतोष नहीं है। इस लोभ को छोड़ देना साधना है, एक दिन की तपस्या नहीं है। फिर भी इसको छोड़ा जा सकता है। आप सैकड़ों उदाहरण पा सकते हैं, अपने जीवन में खोज कर निकाल सकते हैं। प्रेमचंद की एक कहानी आती थी बचपन में, लोग पढ़ते थे, नमक का दारोगा। बाप बेटे को सिखा रहा है कि वेतन का पैसा तो पूर्णमासी के चांद की तरह है, घटता घटता जाता है। कुछ ऊपरी काम आमदनी हो, ऐसा कोई पैसा, ऐसी कोई नौकरी, ये बाप बेटे को शिक्षा दे रहा है। आज भी कितने बाप हैं और कितनी माताएं हैं और कितनी पत्नियां हैं जो अपने पति से कहें, माताएं अपने बेटा से कहें, बाप अपने बेटा से कहे, बेटा भूखो हम मर जाना पसंद करेंगे लेकिन पाप की कमाई घर में नहीं लाना। कम है लेकिन है, मिल सकते हैं। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा अनुसंधान करने की जरूरत नहीं है। हम आंख बंद करेंगे तो 150 आसपास में दिखेंगे ऐसे लोग जो रुपए के लिए किसी की हत्या नहीं करेंगे, रुपए के लिए, कंचन के लिए कोई पाप नहीं करेंगे। वो पाप से डरते हैं। तो कंचन के लोभ का निग्रह करना फिर भी आसान है, इससे कठिन है कामनी के लोभ का निग्रह, स्त्री का आकर्षण, माया का साक्षात विग्रह है। दृष्टांत उदाहरण पड़े हैं शास्त्रों में, और उन उदाहरणों के माध्यम से हमको भगवान ने शिक्षा दी है। ये शास्त्र शिक्षा देते हैं कि जीवन को कितना अनुशासित रखना है, कितना मर्यादित रखना है, और किस तरह से मन पर भरोसा नहीं करना है। थोड़ी सी गलती हुई, थोड़ा सा सततम वो सातत्य एक क्षण के लिए टूटा तो नारद जैसे संत को सील नींद की कन्या से विवाह करने का, वो सातत्य टूट जाएगा बस, तो पाप हो जाएगा।
और पाप कुछ नहीं है। जितनी देर तक ईश्वर का स्मरण नहीं हो रहा है तो हम कुछ न कुछ। अभी एक बड़ी बात मैं निवेदन कर रहा हूं, जितनी देर तक ईश्वर का चिंतन नहीं हो रहा है तो आप समझो कुछ न कुछ हमसे पाप हो रहा है, क्योंकि कुछ न कुछ तो चिंतन होगा। ईश्वर का चिंतन नहीं हो रहा है तो कुछ न कुछ तो चिंतन हो रहा है। वो चिंतन क्या है? अगर ईश्वर से संबंधित चिंतन नहीं है तो रजोगुण से संबंधित चिंतन है, तमोगुण के संबंधित चिंतन है, और वह चिंतन बांधने वाला है, क्योंकि वो रजोगुणी संस्कार उत्पन्न करेगा, तमोगुणी संस्कार उत्पन्न करेगा, सातत्य टूट जाएगा, अप्रतिहता भक्ति नहीं होगी। वो सततम जिसकी चर्चा कर रहे थे, वो सातत्य, वो कंटिन्यूटी टूट जाएगी तो पाप होने का खतरा है। और नारद जी को ऐसा हुआ होगा मैं नहीं मानता, ये संतों की ऋषियों की लीला भी होती है, क्योंकि मैं ये भी नहीं मानता कि जगदम्बा को कभी मोह हुआ होगा कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अकलयनी है अवे अशो की देह नरी धरी हो नर अजाहि न जानत बे। अरे तो परम्बा है, जगदम्बा है, हमें पता है, सब जानती है जानती है, मैया को पता है, फिर भी सवाल तो किया है। संत ऋषि देवता लीला करते रहते हैं हमको आपको ज्ञान देने के लिए, लेकिन ज्ञान क्या ग्रहण करना है कि वो सातत्य नहीं रहेगा। ईश्वर का चिंतन एक क्षण के लिए भी टूटेगा तो पाप हो जाएगा। भीष्म की क्या पर्सनालिटी है? अगर हमारे जैसा जीव भीष्म बनना चाहे तो करोड़ों बार उदरस्थ होना पड़ेगा तब भी नहीं बन सकता। करोड़ों जन्म में करोड़ों बार उदरस्थ होने के बाद भी और निरंतर साधनामय जीवन रहे तब भी एक भीष्म नहीं बनता। भगवान खड़े हैं और मालूम है कि भगवान है। अरे अर्जुन कभी इसको तो सारथी बना लेता है, कभी पारथी बना लेता है, कभी सखा बना लेता है, कभी मित्र बना लेता है, कभी रिश्तेदार बना लेता है। अरे ये ठाकुर को मैं तो पहचानता हूं, अरे ठाकुर पहचानता हूं, लेकिन एक बात सुनो, खड़ा रहो, ठाकुर ने भीष्म की इस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया। अच्छा दादाजी मैं खड़ा हूं, इशारा में संकेत से पूछा कब तक, तो भीष्म ने कहा कलेवरम जावद इदम हिनम्यहम, जब तक शरीर न छोड़ दूं तब तक खड़े रहो। हिम्मत की बात है, ये भक्त ही बोल सकता है, ये तपस्या का बल नहीं हो सकता, लेकिन भक्त की ताकत है, भक्त का बल होता है, भक्त बोल सकता है। ये पंक्ति जब मैंने देखा तो मैंने कहा भीष्म ऊपर से कर्मयोगी भले दिखते हो लेकिन ये तो प्रेमा भक्ति के आचार्य हैं। तब तक स्तुति पर जब नजर गई, इतिमति ग्रुप कल्पिता वितेष्ण भगवती सात्वत पुंगव, रूप कल्पिता वितेष्ण भगवती शाश्वत पुंगवे।
अभी अपनी मति समर्पित कर।